गुड़गांव में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए नगर निगम की तरफ से एक पहल की गई है, जिसमें एंटी स्मॉग गन अब बढ़ते हुए प्रदूषण पर पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम करेंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने 4 एंटी स्मॉग गन गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। फिलहाल 4 गाड़ियों को नगर निगम ने ट्रायल के तौर पर शुरू किया है। गाड़ी में लगभग 1000 लीटर पानी एक बार में आता है, जो छिड़काव के मार्फत पेड़, सड़क और किनारे की जो मिट्टी है उसको हटाने का काम करता है। इससे प्रदूषण में भी कमी आती है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसकी शुरुआत को एक बेहतर कदम बताया। ट्रायल के तौर पर 4 मशीनें मंगवाई गई हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई खर्चा नहीं है और ये 1000 लीटर की है, पानी का छिड़काव करेगी। कितना कारगर होगा ये बाद में आपको बताया जाएगा। सरकार से जब खरीदेंगे इसको, जब हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि ये कामयाब है। देखने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि 1000 लीटर तो थोड़ी देर में ही पानी खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसका टैंक बड़ा किया जाए, मशीन भी बड़ी आए, लेकिन किसी कंपनी ने अपनी भेजी है तो उनका ट्रायल बेस पे हम फ्री में इसका काम ले रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण बढ़ रहा है और ये 3 व्हीलर पे है कि छोटी छोटी गलियों में भी घुस सकती है, इसलिए इसका ट्रायल देखते हैं कि कामयाब होता नहीं होता। गुड़गांव में कुछ पोल्यूशन पे इसका फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, ये जब 8-10 दिन हम चला के देख लेंगे, उसके बाद इसका क्या नतीजा आएगा, उसके बाद इस पे कार्रवाई। फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गुलशन कालरा ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है।